प्रणवत नानक सुन मेरे डुबदा गुरु बेनती है कि कोई रसना वांझी ना रहे। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सारे उस अकाल पुरख की गुस्तक दे विच जुड़ी है, जितना हो सके नालों नाल बाणी दे दर्शन करिए ते नालों नाल रसना नूं पवित्र जरूर करिए। जो जी मेरे को जो जी मेरे प्यारे हर प्रभु मेरा जो जी जियो जो जी मेरे को जी मेरे को तुझी मेरे प्यारे प्रभ तुझी मेरे सारे घर तुझी मेरे जो भी
तो
शख्सियत है, रंग में रंगी राग रूप में प्रतीक, और कहू पे नदी साध अधीन कहियत है। पाइए नर पान पाइए के मुदार अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पछे बहुत काहे, चीटी की चियार पहले ही सुनी है, चोची मेरे को लुधियाने वाले उन्हां पासों आप जी कथा सरवण करोगे, तो उस तो उपरंत भाई जसपाल सिंह जी जलंधर वाले जिन्होंने आप साहब जी ने हाजरी भरी है कीर्तन की आप जी के हजूर। सो आओ पांच मिनट की कविता धन माता गुजर कौर जी उन्होंने चरणों के नाल जुड़ के असी सारे उन्हां दी शहादत नूं उन्हां दीआं कुर्बानियां नूं याद करिए। सो बेनती है कि वह माहौल लैके आइए सामने। माता गुजर कौर अपने बारे दस दें कि संगते नहीं मेरा नाम गुजरी। सो बड़े प्यार दे नाल सरवण करिए। Yeah.
मेरा नौ साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया ओ दिल्ली शहर दिया रहां सी हिंद धर्म दी रखिया करन गया मेरा नौ साल दा पुत्र सी जद पति धर्म लई लड़न गया ओ दिल्ली शहर दिया रासी हिंदू धर्म दी रखिया करन गया जद तक आसीस इना अखिया ने हो जद तक आसीस इना अखिया ने एक बारी मैं उस थां गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी मेरे वड़े पोतिया चमकौर की जग बिच लड़दिया शहीदियां पा दित्तिया ओ प्यासे लड़दे रे दो बूंदां पानी ना दित्तिया मेरे वड़े पोतिया चमकौर दी जग विच लड़दिया शहीदियां पा दित्तिया ओ प्यासे लड़दे रहे दो जेड़ी कदे ना मुड़ के आउनी सी ओ जेड़ी कदे ना मुड़ के आउनी सी मेरे घर जो ऐसी छां गुजरी मैं गुजर गुजर के गुजरी संग तेरी मेरा नाम गुजरी मैं ठंडे बुरज विच पोतिया सारी रात समझाउंदी रही ओ कदे जुल्म अगे ना चुक जायो मैं यही सिखाउंदी रही मैं ठंडे बुरज विच पोतिया सारी रात समझाउंदी रही ऐवें जुल्म अगे ना चुक जायो मैं यही सबक सिखाउंदी रही जद पोते मेरे शहीद होए जद पोते मेरे शहीद होए फिर अपने आप में तां गुजरी गुजर गुजर के गुजरी हाँ संग तेरी मेरा नाम गुजरी जद पोते मेरे शहीद हो
संग ते मेरा नाम गुजरी मैं गोविंद सिंध दी मां गुजरी संग ते बाबा मोती राम मेहरा जिन्हें सेवा ली जदों माता गुजर कौर जी छोटे साहिबजादे ठंडे बुरज विच कैद ने सरकार वालों हुक्म सी कि इन्हां नूं ना कुछ खाण नूं देना ना पीण नूं देना कुछ नहीं पुछना एक पो दियां ठंडियां कालियां रातां कहिंदे जिहड़ी ठंड लगती है ज्यादा जां बच्चे नूं लगती है ते सब बुजुर्ग ते एक पासे छोटे छोटे लाल एक सत साल ते एक नौ साल बाबा फतेह सिंह जी बाबा जोरावर सिंह जी एक पासे माता गुजरी जी ते जो पता लगे बाबा मोती राम मेरे धन ने गुरु दे ऐसे गुरसिख जिहड़ा परिवार विच बैठा सलाह करता है कि क्यों ना अपना मकान अपना धन दौलत अपने गहने गट्ठे सारी गिरवी रख दई है जिहड़ा सेवादार उत्थे पहरेदार लगा है उन्हों दे के किसी तरह की सेवा ले ली जाए गर्मा गर्म दुध छकाउण की सेवा होर तां कुछ नहीं सी कर सकता और ऐसे धन ने ऐसे गुरु के गुरसिख जिन्हां ने वो सेवा ली तो वो बदले उस सेवा के बदले जदों सरकार ने पता लग्या है तो उन्होंने बाबा मोती राम मेहरा नूं बुला के पुछया तो गुरु का प्यारा वो मुकरिया नहीं हाँ सेवा की है वो बदले वोदिया अखा के सामने का सारा परिवार वो बच्चा वो घरवाली वो सारा ही परिवार कोलू के पीड़िया वोदिया अखा के सामने सो आओ कि घर में सलाह करता है अपनी घरवाली के नाल जो पता लगता है कि छोटे साहबजादे से माता गुजर कौर जी ठंडे बुरज में कैद ने नेत्र करिए बंद कौत की है सामने ठंडा बुरज दे विच बैठे ने माता गुजर कौर जी ते गोदी दे विच लाल हंजू करते दुध कुछ गर्म छकाया अपनी घरवाली गल कर रहे
गहने कट्टे किसे मैं अंदर लग जाले पता नहीं इना हाकमा की करना की मसमात कहर कमाण अगे रुकू कदम लिखारी दी लिखण लगी ते परु मन संगत दा जो बाबा मोती राम मेरा अपने गहने गटे इतने तक कि मकान भी गिरवी रख दिता सेवा लेता है तो दुध का गड़वा भर के जाता है बाबा मोती राम ठंडे बुरज के जो सामने बैठे ने माता गुजर कौर जी गोदी में लाल तो माता जी पूछते हैं कि तू कौन है भाई तो किवें आया तो अपने बारे बाबा मोती राम मेरा की जवाब देता सारे अखां दे सामने पहुंची उस ठंडे बुरज विच बिरती उत्ते बजाईए ते रल मिल के पढ़ीए की कहिंदा बाबा मोती राम मेरा एक किरती हां हल करना ससा बुरजां तों उत्ते मां एक किरती हां हल करना ससा बुरजा तो उच्चे सवला एक दुध दा गड़वा हाजिर है खुद छको छका माइक दुध दा गड़वा हाजिर है खुद छको छका लाला ठंडा बुरज ते ककर जलदा अगला के मैं ता अपने आप मार मां तुसी हुक्म करो ता अगला के हाजिर है खुद छको छक
Vaheguru,
फतेहगढ़ साहब जाए तो उस तरह तो दर्शन हो मां गुजरी जी अखा में नींद नहीं जिसने पुत्र तीन दिन तो भुखे हो जिसके पुत्र बिल्कुल मौत विच गिरे हो क्योंकि पहला साहबजादे जिदन पहले दिन सरहंद आए तुसी अपने परिवार सोच के वेखो तो पांच साल की उम्र तो 7 साल की उम्र के बच्चे किन्ने खुले थोड़े घर बच्चे अपने सारे 5 साल की उम्र 7 साल पौने 7 साल तो पौने 9 साल इतिहास ने देखा करीबन हम 7 साल का बच्चा किड्डा खुलता तो जो मोरिंडे कोतवाली तो गड्डे उत्ते बिठा के लिया सवेर तो चले शामी गड्डा सरहंद पहुँच गया माल सिपाही दिन छोटे सन धुंद पै गई तो जो शहर के नेड़े बिच पहुँचे तो उच्ची उच्ची अटारियां दरवाजे दिसन लग पे सरहंद बहुत वड्डा शहर से हिंदुस्तान का सिरहंद तो साहबजादे ने एकदम बाबा फतेह सिंह जी ने अपनी दादी का इस तरह पल्ला खिंचया दादी माँ हुण वेखो अपना आनंदपुर साहब आ तो एकदम घुट के इस तरह मां गुजरी ने अपने सीने ना लिया नहीं बिलाल वो आनंदपुर साहब नहीं उच्ची उच्ची अटारियां आनंदपुर साहब नहीं लाल है आनंदपुर साहब नहीं फिर की है तो मां गुजरी कहते इत जालमां का सरहंद है इत जालमां का सरहंद है तो पहले दिन वजीर खां ने कहा रात बहुत हो चुकी है इन्हों ठंडे बुरज में रखो कल सवेरे पेश करे तो सीधे कैद विच ठंडे बुरज विच कैद कर ठंडा बुरज पौड़ियां चढ़ के उद नाल पानी वगदा सी ठंडी हवा उत्थे सर्द दी रुत शरीर नूं साड़ रही सी वो तेज ठंडिया हवावां शरीर नूं चीर रही सन पर मां गुजरी ने दोवां साहिबजादिआं दा मूँह अपनी गोदी विच ढक लिया देर रात तक आओ मैं तुहानू कथा सुनावां तुहाडे दादे दे दादे की कथा तुहाडे दादे की कथा धन गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत साहबजादे सौ गए दूसरी रात भी सुनाते जो रात आई जो तो साहबजादे नींद नहीं आती दो रात तो सौ गए दादी की गोद में अज कथा भी मुक गई
दिल्ली के चांदनी चौंक की घटना भी लंघ गई। साहबजादियां दी अखां खुलियां हन, मां गुजरी ने वेख्या दोवें जागदे ने, सुणदे क्यों नहीं? दादी नूं पता है, पता नींद क्यों नहीं आउंदी? क्योंकि पेट भुखा है पिछले तीन दिन तों। जिहड़ा उस गंगू दे घर कुछ खा लिया खा लिया, उस तों बाद एक मुरिंडे की कोतवाली दी रात, दो रातां सरहंद विच तीन दिन भुख्या गुजर गए। तो मां गुजरी ने फिर दोवां साहबजादियां दे कमर कसे, थोड़े कस के मर दिते, पेट कसया जाएगा शायद भुख। तो दोवें साहबजादे नींद नहीं आउंदी, पर दादी नूं कहिंदे ने भुख लगनी। इन्हें अद्धी रात हो गई तो पौड़ियां दे किसी बंदे दे चढ़न की आवाज़ सुनी। एकदम मां गुजरी ने सिर उपर चुक के वेखे तो हनेरे विच बंदा कोल आ गया, पूछे वे तू कौन है? मां मैनू मोती राम मेहरा कहते, वे तू की लैन आया? मैं तुहाडे पोते नूं दुध पिलाउणा है। मां गुजरी ने कहा जा वे जा, चला जा, तैनू पता है जे तेरे दुध पिलाउण की खबर सरकार नूं लग गई तेरा की होएगा? तो मोती राम मेहरे ने हाथ जोड़ के कहा, मां बहुत मुश्किल नाल इत्थों तक पहुंचे, रात दे पहरेदारां नूं रिश्वत दित्ती, बाद विच की होवे मैनू कोई परवाह नहीं, एक बार मैनू सेवा कर लैण दिओ, बाद विच जो होवे मैनू कोई परवाह नहीं है। तो मां गुजरी ने हस के कहा, वे सोच लै, ये दुध महंगा पैना है, मां जिन्ना मर्जी महंगा पै जाए मैनू सेवा कर लैण दिओ। फिर मां गुजरी ने वेख लिया इसकी भावना, दो गिलास, वो गिलास अज भी उत्थे पए ने फतेहगढ़ साहिब, वो गिलास दुध दे भरे ते नाल एक गल कही, वे मोती रामा दुनिया च बहुत मोती होणगे, मोतियां दी चमक भी बड़ी, मोतियां दी कीमत भी बड़ी, पर समा पा के हर मोती की चमक घट जाती है, हर मोती की कीमत घट जाती है। जा वे मोती रामा, जिहड़ी सेवा तू कमा चले है रहती दुनिया तक तेरी चमक चमकती रहेगी। अज दुनिया जे साहबजादियां नूं याद करेगी, कौन है बाबा मोती राम मेरे दे स्थान ते नहीं जाए? मोतियां रहती दुनिया तक तेरी चमक रहेगी, तू सेवा कमा चले है। दम साहबजादियां नूं दुध छकाया, मोती राम चला गया, जो बाद विच होया तुसीं सुणिआ। अगली सवेर होई तो सिपाहियां आके उच्ची आवाज विच कहा मां गुजरी नूं, माता जी तुहाडे साहबजादियां दी पेशी है। तो मां गुजरी दो दिन पहला भी तो भेज दे रहे दमल्ले सजा के जपजी साहब सुना के, अज जो तीजे ते आखरी दिन पेशी सी ना, तीसरे दिन उदन महात्मा गुजरी जी ने उन्होंने दमाले सजाए, जपजी साहब सुनाया, मस्तक चुमया, तो जो सिपाही लैन आ गए फिर कह जाओ वे छेती छेती जाओ। दो दिन मां गुजरी जदों भी भेजते सन तोरन लग्यां गोदी विचों पहला अरदास करते, हे धन गुरु तेग बहादुर साहब, तेरे पोतियां की उम्र नहीं है पेछियां भुगतन, इन्हां दी उम्र नहीं पेछियां भुगतन, अपने पोतियां की रक्षा करो कचहरी विच, ये सिक्खी सिदक विच पास हो के आउण, ये जित के आउण। नित अरदास करके दो दिन भेजते रहे, अज तीजा दिन सी, अज अरदास नहीं कीती, छेती छेती जाओ वे छेती जाओ। जो साहबजादे पौड़ियां उतर लगे बुरज दियां, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰੁਕ ਗਏ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੀ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰਾਵਰ? ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ? ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਕੀਤੀ, ਦਮਾਲਾ ਸਜਾਇਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ? ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੋ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ, ਦੋ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿੱਧੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਪੌਂਡੇ ਤੱਕ ਦਾਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਈਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਘਟ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ 'ਤੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ। ਤਾਂ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੇਗ ਅਤੇ ਬਾਸ਼ਨ ਵੇਗ ਦੋ ਜਲਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨੀਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਸੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜਦੋਂ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੀਨ? ਨਹੀਂ। ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਚਿਣਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਚੀ ਅਟਾਰੀ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਸੁੱਚਾ ਨੰਦੌੜੀਆ, ਸਭ ਨਵਾਬ ਅਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਕਾਜੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਟੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸਦਾ ਬੁਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਧਾਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਨੇ ਸਨ, ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਦਿਲ ਫਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਦੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਨੀਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਲਾਦ ਕੰਧਾਂ ਚਿਣਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਚਿਣਦਿਆਂ ਚਿਣਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੱਦ ਸਵਾ ਡੇਢ ਗਿੱਠ ਨੀਵੇਂ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਵੀਰੇ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਲਿਖੀ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਤਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਖੇਡਦੇ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਡਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ? ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਖੇਡੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ?
धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की दस्तार चुकी तो वह दस्तार अपने दुआले तिस्तर बन ले उच्चा दुमला करके फिर आ गया भज के कहने वीरे मैं बड़ा हो गया बराबर देखो खड़े देखो मैं थोड़े तो बराबर हो गया इन्ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आ गए फतेह सिंह एक ही किया कहने पिता जी कहने तू छोटा है खेड नहीं सकता हूँ मैं ना बराबर हो गया तो सतगुरों घुट के सीने न लाया कहने फतेह सिंह तू छोटा नहीं कद विच उम्र में छोटा हो सकता है जिस तरह का तू धरती से सत्ता करना है कुल दुनिया के लोग कहेंगे निकियां जिंदा वड्डे सके जकारा बुलावे निहालो जावे बाबा फतेह सिंह जी दे चरणा नू पावे जिहड़े दमालियां वाले सिंह निहंग सिंह जिन्हां नूं कहिंदे बाबा फतेह सिंह जी तों शुरू करदे जथेबंदी जदों नां लैंदे निहंग सिंह जथेबंदी बाबा फतेह सिंह जी दे नां ते दमाला उच्चा बदल जदों कंधां विच चिणे जा रहे सी मां गुजरी वेख रही सी ते जिहड़ा जलाद कंध चिणदा सी इक गारा फड़ाउंदा सी इट्टां फड़ाउंदा सी इट्टां ते गारा फड़ाउण वाला जलाद उहदा दिल पिघल गया निक्के निक्के बच्चे ये तो गला घुट हो चला बाबा फतेह सिंह ये तो गर्दन तक आ गई इट्टा जिमें गल घुटिया जाएगा मर जाएगा तो दिहाड़ीदार उहदा दिल पिघल गया उन्हें सामने ते नहीं थोड़ा कंध वल हो के रो पिया ते अखां पूंझदियां ठंडे बुरज कोल चला गया मैं गारा लैके आउंदा आवाज दे के क्या किद्दां दी धरती है तेरा दिल नहीं पिघलदा तेरे पोते मर चले ने मां गुजरीए एक बार कह दे ईन मनी तेरे पोत्या की जान बच जाए दो ते पहले नहीं पता तेरे दो पोते पहला शहीद हो गए तेरे पुत का कोई पता नहीं दो बचे ते बचा ले मां गुजरी ने कह जा वे अपना काम कर तेनू की पता मेरा नाम गुजरी क्यों रखे तेनू की पता वो विद्वान लिखद है बहुत प्यार गल ਕਹਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮਸੂਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਦਾ ਅਖੀਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਭੱਜ ਗਾਰੇ ਦੇ ਫੇਰ ਜਲਾਦ ਭੱਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਂ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂ ਗੁਜਰੀਏ ਸੁਣ ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜਰੀ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਮਸੂਮਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ ਪੁੱਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਅੱਜ ਜਾਪਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਖਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇਖ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਗੋ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ ਬੇਟਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਦੇਖ ਕਿਸਮਤ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਸੈ ਇੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਜਰੀ ਮੇਰੀ ਅੱਲ ਗੁਜਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ
वे घड़ी घड़ी गुजरी पल पल गुजरी पहला पति दिता फिर मैं पोते तोरे आ हुण मौत मैनू कहिंदी है चल गुजरी लोकी गुजरी मैनू ताइयों आख दे ने जेड़ी आई सिर ते ओ मैं हस चल गुजरी जेड़ा वक्त सिर ते आया मैं हस ते चल दोवे साहबजादे जदों कन्नां विच बिल्कुल लुक गए पहलां बाबा फतेह सिंह फिर बाबा जोरावर सिंह सब दी अखां इसे तरह सुकियां रह गईयां चेहरे खामोश हो गए थोड़े मिंटां बाद कंधां डिग पई दोवें साहबजादियां दे शरीर डिग पए उच्ची फसील ते खड़ा वजीर खां पुछदा है जलाना मर गए ने ते दोवें जलाद एकदम शासन देव ते बादशाह गया इस तरह रगां वेखदे नबज पकड़ के ते नबजां वेख के कहिंदे नहीं वजीर खां जी सूबेदार जी मरे नहीं साह चल दे ने मुरशद हो गए उन्हें कहा फिर साह वालियां रगां वढ दिओ दोवां जलादां ने साहबजादियां दे इस तरह छाती ते गोडा रख के साह वालियां रगां वढ दिओ मां गुजरी दे वेखदिया वेखदिया शहीद हो गए फिर उन्हें पूछा बुढ़ी मां का की करना है वजीर खान ने कहा जेदे पोते सत साल नौ साल की उम्र के मासूम बच्चे नहीं डोले उस गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की मां को किवें डुलाया जा सकता है जेदे पोते इन्ने दृढ़ ने वो दादी किन्नी दृढ़ता विच होएगी इन्हू डुलाया नहीं जा सकता इहदा की करना तो बुरज तो धक्का दे दिया ठंडे बुरज तो मां गुजरी नूं धक्का दिता शहादत दा जाम पी गए उधर धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी महाराज का एक नाम पता की इतिहास जोजी प्रीतम जोजी मेरे गोविंद दा तो शब्द नहीं समझे महाराज का नाम भी एक रखा हुआ पंथ में जोजी प्रीतम सतगुरु ने बड़ा ही वखरा जोज किया कलगी तक दशमेश पिता वह चोज कर गए जो धरती के इतिहास इतना पहला होया सदियां गुजर जाएगी गुरु गोबिंद सिंह महाराज वर्ग इतिहास कोई भी नहीं सुन सके ये गल आप सिख ही नहीं कहते एक मुसलमान होया बहुत बड़ा फकीर उन्होंने दो पुस्तकों ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वडियाई में लिखी एक पुस्तक का उन्हें नाम रखे गंजे शहीदां एक पुस्तक का उन्हें नाम रखा शहीदां ने वफा दो पुस्तक लिखण की उन्होंने सजा बहुत मिली वैसे इस्लाम ने उन्होंने खारज कर दिता उस बंदे ने इतना जोर पाया कि तू दो पुस्तक लिखिया ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज की इतनी वड्याई नहीं सी तेनों करनी चाहिए रद्द कर दे उनके बिल्कुल रद्द नहीं कर उनके असी तेनों खारज कर देंगे कर दे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की उस्तत में एक पंक्ति उत्ते बड़ा इतराज से इस्लाम के पीरां उन्हें कहा कट दे कली चल किताबा ना वापस लै दोवें रहन दे तू बड़ी मेहनत नाल लिखी पर दो लाइना कट दे ते उन्हें एक गल कही सी सज्जणों अल्लाह यार खां जोगी दे हथ तां कट्टे जा सकदे पर गुरु गोबिंद सिंह की वड्याई की एक अखर पंक्ति भी नहीं कट्टी जा सकती वो लिखदा मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जीवन नाल इंसाफ नहीं किया 42 साल विच जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस धरती ते कर गए मेरी कलम तो लिखिया नहीं गया मैं ते पहले गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई नहीं पूरी कर सकिया मैं ये लैन नहीं कट सकता वो पंक्ति ते तराज सी इस्लाम कि हाशा किसी मुर्शद में ऐसा सियार नहीं है किसी पीर में ऐसा जनहार नहीं है जिद उत्ते इस्लाम ने तराज किया तो गल बड़ी प्यारी है थोड़े कम आएगी वो कहना कुल दुनिया का इतिहास एक पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 42 साल के जीवन का इतिहास एक पासे इंसाफ करो पूरी दुनिया नूं कह रहे दुनिया के लोगों इंसाफ करो और सच्चे दिलों इंसाफ करो दिल में मैल रख के ना इंसाफ करो यह ना कहो साडा धर्म साडा मत साडे शहीद कुल दुनिया का इतिहास एक पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इतिहास एक पासे सच्चे दिलों इंसाफ करो वो कहना मैनू यकीन है
सच्चे दिलों इंसाफ करके वेख्यो हर एक बंदे दे दिल चो कोई आवाज निकलेगी वाह गुरु गोबिंद सिंह तेरे वर्गा नहीं कोई हो सकता। वो मुसलमान अल्लाह यार था जो कि वो लिखता इंसाफ करे जीमे जमाना तो जकीन है मैनू विश्वास है सर मुसलमान कह रहे इंसाफ करे जीमे जमाना तो जकीन है कह देंगे कि गुरु गोबिंद का सन्नी ही नहीं है करतार की सौगंध नानक की कसम है जितनी भी करूं तारीफ गुरु गोबिंद की वो कम है। हुण मैं एक गल तुहानूं सुणादा क्यों इन्नी उस्तत कर रहे हैं उन्हूं विश्वास बड़ा है साढ़े नालों वध किते कई गुणा क्योंकि जो उन्हें इस्लाम चो खारज किया उन्हें कहा मेरे हथ वढ़ दिओ पर मैं एक भी पंक्ति नहीं कटा। फिर उन्होंने एक काजी ने कहा तैन डर नहीं लगता इस्लाम चो खारज मुसलमान मर जाए उन्हें दोजख च जाना पैंदा इस्लाम तो खारज मुसलमान कोई मर जाए उन्हें हजरत मुहम्मद की गोद नहीं मिलती। तो उन्हें बेखौफ होकर कहा सी ओए मैनू आ गल कहण वालियो जिस दिन की मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की वड्याई की है जिस दिन की मैं चमकौर की खाक चुक के अपने मत्थे नू लाई है पता नहीं उस दिन का मैनू की हो गया मैनू किसे हजरत मुहम्मद की गोद की लोड़ नहीं मैनू किसे स्वर्ग की लोड़ नहीं मैनू गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चरणा च थां दे दी। एक मुसलमान इन्ना यकीन है उन्हें फिर एक गल लिखी तुम चमकौर साहब जा रहे हो तो वो लिखी हुई गल ही वो बहुत वड्डे अखरां च लिखी हुई गुरद्वारा साहब वो कहिंदा पूरे हिंदुस्तान विच कोई तीर्थ यात्रा कर वो चमकौर दी धरती बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए जहां कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए पूरे हिंदुस्तान च कोई तीर्थ है वो तीर्थ इको एक तीर्थ हो मुसलमान मनता चमकौर साहब जी हम थोड़ी जी सुरत उत्थे ले जायो जो महाराज जी के साहबजादे शहीद हो गए ना बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह ऊ नहीं शहीद होए बे इदे जंग तौर पर शहीद हो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बड़ा कठिन परचा पाया पहला साहबजादा अजीत सिंह शहीद होए फिर जो बाबा जुझार सिंह जान लगे उन्होंने कहा बेटा शहीद ही नहीं होना कल वो तो पता है 40 सिंह इतने कले लड़ रहे हैं 10 लाख के जाओगे तो शहीद ही होने मौत तो निश्चित है गड़ी के दरवाजे तो बाहर गए तो मौत निश्चित है पर मैं कली तेरी शहादत नहीं वेखना चाहता तेनू जितया वेखना चाहना पिता जी किवें ते बाबा जुझार सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहिंदे बेटा जिथे तेरा वड्डा भरा अजीत सिंह शहीद होकर डिगे उत्तों 10 कदम अगे जाके डिगी फिर पास है नहीं तो 14 साल तो करीब उम्र इन्ना जुस्सा फरतुल्ला फरतीला शरीर इतिहास कहिंदे फिर बाबा जुझार सिंह ऐ निकले जिवें आसमान विचों बिजली चमकदी शमशीर चमक रही सी महाराज ने 2-3 तीर चला के राह भी दिता है इन्नी तेज निकले जिवें कोई तूफान निकलिया होवे गड़ी के विचों एको ही टारगेट सी मैं अपने भरा बाबा अजीत सिंह की शहादत वाले शरीर तो अगे डिगना है बस एको ही टारगेट लैके बढ़ते चले गए सैकड़िया मौत के घाट उतार के उत्थे पहुंचे जब उस जगह पर पहुंचे फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जयकारा छड़िया हुण मेरा पुत्र जित गया शहीद हो गए तो 5 सिखा ने फिर 5 सिंघा ने पंथ में हुक्म किया गढ़ी छड़ जाओ उत्थे ताड़ी साहब स्थान बने जिते महाराज ने खलो के कहा पीर हिंद में रवत जा रहे हो सिखां दा गुरु जिहदे च ताकत है रोक लो। जदों कलगीधर पातशाह चमकौर दी उस जंग विचों शहीदां कोलों लंघे ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਿਣੀ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀ ਦੀ ਦੇਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਕਲਗੀ ਘੋੜਾ ਜੋੜਾ ਤੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਪਤਾ ਕੌਣ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਤਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ
सतगुरु कहिंदे दस दया सी महाराज ने इशारा किया सी तारियां दी सेध आ जाओ बाद विच तीन सिख फिर उहदे हिसाब नाल गए तां सतगुरु ने कहा दस दया सी कहिंदे महाराज अखां भर लई भाई दया सी कहे सतगुरु जी दोहां पुत्तां दीआं लाशां कोलों ऐ लंघ गए उह वेख्या तक भी नहीं उधर महाराज को नज़र भर के वेख तां लो बाबा जुझार सिंह ते बाबा अजीत सिंह उत्ते जालमा ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पूरा जिन्ना उन्होंने अंदर जहर सी क्रोध सी वो साहबजादे ते कढ़िया सैकड़े बरछियां मार के छातियां पाड़ दित्तियां गुरु गोबिंद सिंह के पुत ने भाई दया सिंह कहते महाराज वेखते जाओ सतगुर अंक भाणा वरत के वेखना की कहते महाराज दुनिया च भावें गरीब तो गरीब प्यो हो गए गरीब तो गरीब अपने पुत का संस्कार जरूर करना है संस्कार ना हो कफन ते जरूर पाउंदा है कलगी पातशाह मैनू पता इत्थे तेरे पुत्तां दा संस्कार ते नहीं कीता जा सकता पर महाराज कफन ते पाया जा सकता है मैं दुमाला खोल के दो गज कपड़ा दिना दोनों पुत्तां दे मूँह ढक जाओ कफन वाली रस्म का कर जाओ पुत्तां ते कफन पा सतगुरां कहा ना वे दया सिंह पुत्तां तो प्यारे सिख पए ने मदाने जंग च शहीद जे कफन पाउणा है ते पहला सिखां ते पाई मेरे पुत्तां उत्ते कफन नहीं पातशाह गरीब तो गरीब प्यो भी होवे उहदे पुत्त नूं भी कफन नसीब हुंदा है तू ते शहनशाह दा शहनशाह तेरे पुत्तां दीआं लाशां इत्थे पईआं रहणगीआं सतगुरां इत्थे मिसाल कायम कीती है सिखो कलगी पातशाह ने पुत्तां नालों वध सिखां नूं प्यार कीता पुत्तां नालों वध हजूर ने फिर बचन कहे जो भाई दया सिंह कहिंदे गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने कफनों बगैर दस की दे पुत गए ने गरीब तो गरीब मापे महाराज दस के दे पुत बिना कफड़ा तो गए हजूर ने कहा रहन दे दया सिंह इन्हों का मूँह ना ढक महाराज मैं तां कहिंदा सी सवेरे दिन चढ़ना है वेखते सही तेरा पूरा गुस्सा जालना तेरे पुत्तां ते कढ़िया छातियां पाड़ियां पईआं ने सवेरे इल्लां आउणगियां तेरे पुत्तां दा मास नोच नोच के खाणगियां महाराज एक बार मूँह ढक जाओ कलगी पातशाह ने बचन कहे हस के दया सिंह मेरे पुत्तां दा मास नोच लैण दे इल्लां कल इल्लां आउणगियां उड़नगियां मेरे पुत्तां दी लाश ते चुंज मारनी मास नोचणगियां खाण दे मेरे पुत्तां दा मास इल्लां नूं जिन्ना मास नोच नोच के इल्लां आकाश विच उच्चा उड़नगियां एक दिन इन्ने उच्चे खालसे दे केसरी निशान चुण अज पूरे वर्ल्ड विच केसरी निशान चुण इल्लां मास नोच के जिन्ना समान विच उच्चा जाणगियां इन्ने उच्चे उच्चे मेरे खालसे दे केसरी निशान चुल्लणगे सात संगत ढाई ढाई सौ फुट उच्चे निशान छड्ड लैंदे और पूरे वर्ल्ड विच ने फिर कलगी पातशाह ने पुत्तां तों वध सिखां नूं मार तुसीं अरदास भी पढ़ो एड्डी वड्डी मिसाल महाराज ने कि मेरे साहबजादियां दा नाम बाद विच लियो पहलां मेरे सिखां दा नाम लियो पहलां तुसीं कहिंदे हो पंज प्यारे फिर कहिंदे हो चार साहबजादे पहलां नहीं ना कहिंदे एक होर गल सुन एक तो वध कौन प्यार कर सकता सिख नूं मर जाना चाहिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों जो सिखा तैनू पुत्तां नालों वध प्यार कीता है इन्ना प्यार ते कोई कर ही नहीं सकता जिन्ना प्यार कलगियां वाला कर गया हजूर ने नदेड़ साहब की धरती ते दो हुक्म किए आग्या पई अकाल की तवे चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ एक हुक्म यह किया एक महाराज ने किया कहने खालसा जी अज तो बाद मेरे खालसे नू मेरे सिखां नू ना भुल्लियो कोई पंथ नू तकीद करके कहने खालसा जी बेशक मेरे साहबजादियां दा नाम ना लियो कि मैनू कोई इतराज मेरी मां गुजरी नू ना चेते करियो मैनू कोई इतराज नहीं मेरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब नू चेते ना करियो मैनू कोई इतराज नहीं सिखो
मेरे साहबजादियां नूं चेते ना करियो, मैनूं कोई इतराज नहीं, पर मेरे पंज प्यारियां नूं ना भुल जिओ। जिहड़ा पंज प्यारियां नूं भुल गया वह गुरु गोबिंद सिंह का कुछ नहीं। सिखां नूं इन्ना प्यार महाराज किवें चेते करन? कहिंदे हर दीवान विच चेते करे। आ देखो हुण वी जदों समाप्ति होणी ना कीर्तन, ये तां ही बड़ी वड्डी कीमत है कड़ा प्रसाद जी देख दी लैके जाया करो। चार साहबजादियां दे नाम का प्रसाद नहीं कटदा पंथ च, कोई मां गुजरी दे नाम का कोई गुफा नहीं कटिया जाता। कलगीधर ने इन्ना प्यार किया अपने पुत्तां तो वध सिखां नूं कि पंज प्यारियां नूं चेते जरूर करियो। जदों कड़ा प्रसाद वरतौणा है गुरु साहब तो बाद पहला भोग ला के ते पंज प्यारियां दा प्रसाद कटना, ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है, कोई इहनूं कैंसल नहीं कर सकता। पंज प्यारियां दा पहला गफ्फा कटिया जाणा, इन्ना प्यार फिर सतगुरु इन्ना प्यार देता। तुसीं नगर कीर्तन कढ़दे हो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिछे हुंदे ने, पंज प्यारे मोहरे हुंदे। सिखां नूं इन्ना प्यार कीता सतगुरु। बस सिखां तों एक गल कह दी, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरणां च, कलगीधर पातशाह दे चरणां च चित जोड़ के महाराज तों मंग ले, बख्शो सतगुरु सिखां दा मन नीवा मत उच्ची। एक बार गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों का ध्यान धरो ते गल कह दी आपा सतगुरु। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल गज के गज के, ऐसे गुर को बल बल आप मुकत, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन श्री गुरु गोबिंद, धन श्री गुरु गोबिंद, ऐसे गुर को बल बल जाइए, 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 आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहे कथा ते आप होर करनी सी पर माहौल इदा ना बन गया, तो बहुत आनंद विच तुसी बैठे हो। एक गल सुना के मैं समाप्ति करनी। महाराज ने इन्ना वड्डा मान खालसा अमृत, बहुत वड्डा, अज सिख विचों विचों बहुत वड्डी भुल कर रहे ने। इत्थे सतगुरु जी ने नगर कृपा कीती, मैनूं महसूस होया तुहाडा प्यार होर वधे होर वधे होर वधे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तो बाद माता सुंदर कौर जी, क्योंकि माता साहब कौर जी नदेड़ साहब रह गए, उत्थे फिर शरीर छड्डिया माता सुंदर कौर जी दिल्ली। तो जदों महाराज जी ने एक गल मालवे की धरती ते कह दिती, माता जी चार मूए तो क्या हुआ जीवत गई हो जा, तुसी चढ़दी कला चलो तुहाडे चार थोड़ी मुके, आ हजारां ही तुहाडे कोल हजारा। तो कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने गल करे पातशाह
असीं अपने पुत्तर नूं तेरा जुझार सिंह ते नहीं बना सकते, पर कृपा करियो उहनूं सिक्खी सिदक विच रखियो, इहदे विचों किते उहदे दर्शन हो जाया कर, अपने बच्चों नूं जोड़। माता सुंदर कौर जी ने दिल्ली फिर बाद विच टिकाणा कर लिया, महाराज नदेड़ चले गए, उत्थे फिर माता सुंदर कौर जी ने एक बच्चा लै लिया किसी का, वो परिवार वाले छड़ गए, कहिंदे माता जी तुसीं इहनूं अपने कोल रख लो, नाले इहनूं सोझी समझ आएगी। तो माता जी बहुत प्यार करन लग पए उस बच्चे नूं, उहनूं पालिया माता जी। 5-6 साल माता जी उन्होंने पालते रहे, तो थोड़ा वड्डा हो गया, उन्होंने कीर्तन सिखाया, बाणी सिखाई माता जी ने। फिर माता सुंदर कौर जी ने कहा भी हुण जवान हो रहे, इन्हें कौम ले पंथ ले काम करने, इन्हें शस्त्र विद्या, और शस्त्र विद्या के नाल नाल इन्हें गुरसिखां दी खालसिआं दी वह सोभत संगत मिले जिहदे नाल इह कौम पंथ ले कुछ कर सके। तो माता जी ने फिर अपने वालों एक हुक्मनामा लिखा, तो उस बच्चे उसकी उम्र 16 साल की हो गई सी, उन्हें हुक्मनामा दे के सिखां दे नाल ते उहदे परिवार नाल उन्होंने कहा तुसीं इहनूं जांदे उत्थे छड्ड के जायो, हुण अज तों बाद उहना सिखां दे कोल रहेगा, कुछ सिखे उन्हां कोल जाए। तो माता जी ने विदया करता, उन्हें हुक्मनामा लिखा, जे मेरे फरजंद से बेहद मैनू पुत्तां तो प्यारा है बच्चा, तो इसनों गुरसिखी की उच्च विद्या देनी, इसनों गुरमत सिखानी। तो सारा कुछ हुक्मनामा लिख के एक सिख के नाम हुक्मनामा कर लिया, उदों सिखां दा थोड़ा जिहा राज उन्होंने मिल चुका सी, नवाब कपूर सिंह जी के कोल कपूरथले कर लिया, कपूरथला उदों बसिया पहली रियासत बन। तो हुक्मनामा जदों नवाब कपूर सिंह जी ने पढ़िया तो उन्होंने बच्चे ने बहुत प्यार किया, जो बेटा तुहानूं माता जी ने कल्या तो पालिया, उन्हें प्यार नाल सिखाउणी, शस्त्र विद्या नाल रखना, गल्लां दसणियां। तो हुण बच्चा कई साल दिल्ली रहण करके माता जी दे कोल तो विच विच हिंदी बोलदा सी, विच विच पंजाबी पूरी नहीं सी आउंदी, तो उह सेवा विच रख लिया नवाब कपूर सिंह जी ने अपने कोल। तो जदों बच्चे ने कदे हिंदी विच गल करनी, जिहड़े खालसे सी ना अपने लंबे दाड़ियां वाले लंबे कशहरियां वाले, तो उन्हें सेवा करनी, कई खालसियां दे कशहरे धोने, होर सेवा करनी, जिहड़ी सेवा कह देनी नवाब कपूर सिंह जी। तो जिहड़े खालसे सी, एक तो उन्हां विचों छोटी उम्र दा ते दूजा हिंदी बोले, तो खालसियां ने फिर की करना, कई बार उन्होंने आवाज़ दे के ओए हम तो तुम तो इधर आ, हम तो तुम तो उन्होंने मुखौल कर, ओए हम तो तुम तो इधर आ। तो हुण उह जवान हो रहा सी, एक दिन मन च रोस आया, मैनूं सारे ही छेड़दे रहिंदे जे मैं छोटा ते थोड़ी, तो जाके नवाब कपूर सिंह जी नूं कहिंदे जहेदार जी मैनूं छुट्टी दे दिओ मैं घर चल जाऊं। कहिंदे क्यों बेटा? कहिंदे तुहाडे जिहड़े खालसे तुसीं रखे हुए ते मेरा मखौल उड़ाउंदे रहिंदे, मैनूं फक्कड़ करदे ने, मजाक करदे ने, मैनूं कहिंदे कहिंदे हम तो तुम तो इधर आ हिंदी बोलदे। ते नवाब कपूर सिंह जी ने बहुत प्यार नाल घुट के सीने नाल आया, कहिंदे बेटा ये पता कौन ने? ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसे ने, जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह महाराज कह गए ने खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूँ निवास, इन्हां विच महाराज वसे हुए ने, इन्हां दा गुस्सा ना करया कर, जो तेनों कहिंदे ने मखौल करदे हसदे इन्हां दा गुस्सा ना करया कर। पता क्यों? कहिंदे मेरे वल वेख, मैनू घोड़िया की लिद चुकन वाले, मैनू कशहरे सीण वाले, मैनू घोड़िया की लिद चुकन वाले इस खालसे ने तरस करके नवाब बना दिता है, तू खालसे का गुस्सा ना करी, जे तेन खालसा दया विच आ गया तेनू पता नहीं की बना दे, क्योंकि गुरु ने अपना दूजा रूप रखे, तेनू पता नहीं की दे। मैनू खालसा ने घोड़े की लिद चुकन वाले नवाब बनाता, जिदन खालसा दया च आ गया तो गुस्सा ना करे, कहिंदे तैनू पता नहीं की बना देना। ते साध संगत उस नौजवान बच्चे ने मन मार के फिर सेवा की, पंथ की वह सेवा की, सचमुच उह दिन आया जिदन उन्हें दुनिया ने कला नवाब ही नहीं बनाया, पंथ ने नवाबी नहीं कली,
जे तक खालसा पंथ ने कला नवाब नहीं बनाया ओनू इन्नी वड्डी पदवी देती उदन खालसा पंथ नू माण दे के कहिंदा अज तो बाद ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਕੌਮ ਨਵਾਬ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀ ਆ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਬਣੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਏ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਗਾ ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋ ਸਤ ਸਤ ਸੰਗਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਬਿਰਦ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਤ ਨਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਹ ਡਿਗਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਕਈਅਤ ਬਿਰਦ ਹੋ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਬੁੰਦੇਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਇਹ ਲਿਖਾਏ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖਤ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੋ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਲਿਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਲਿਖੋ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਇਸ਼ਟ ਸੁਹਿਰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਲਿਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੁਝ ਜੇ ਆਹ ਪਵੰਦ ਰਹੋਗੇ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖੋ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਖਾਲਸੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਲਿਖ ਲਓ ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦੇਊਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਨਿਆਰਾ ਰਵੇ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਲਿਖ ਲਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦੇਊਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਪੜੋ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਜੇ ਥਿੜਕ ਗਿਆ ਜੇ ਰੀਤ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁੱਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਹੇ ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸੀ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਗਿਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਹੁਰੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਰਾਤ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਵੱਡੀ 18 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਇਹਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਕਰੋ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਦੋ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਲਦੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਜਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜਾ ਡਾਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਣ, ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰਤੀ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਘੁੰਮਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਮੰਜਾ ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਹਲਾ ਲਲਾ ਹੋ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੜਕੀ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੂਏ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫੜਨ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪਰੇ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲੇ ਉਹ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਓ, ਬਾਹਰ ਕਹੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਦ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫੜਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਪੌੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਐਂ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਰੋਟੇ ਉਹ ਬਈ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਝਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੜਕੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਕੀ 'ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ 'ਚ ਬਣਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਮਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ ਘਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਚੋਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤ ਪਾਈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਦੇ ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਜਾਂਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਈਦਾ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਬੇ ਕਹੇ ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪਰਤੀ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਥਿੜਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਵਾਇਆ, ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਸਾਰੇ, ਚਲੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣ, ਪਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖ ਕਰਾਈ, 11:30 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਇੱਧਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ।
ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੱਦ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਅੱਜ ਉਹਨੀ ਜੀ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਸਦੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵੱਸਦੀ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।